हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं शेयर करने वाली हूँ सूजी के गोलगप्पे या पानी पूरी या बताशे, जो भी बोलते हो आप, जो भी आपके यहाँ बोला जाता हो, उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ मैं। बहुत ही खस्ता बनेंगे और बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे। जिन्होंने आज तक सूजी के गोलगप्पे घर पे बनाने का ट्राई नहीं किया है, वो ये रेसिपी देख के ज़रूर बनाने लगेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं सूजी के गोलगप्पे। जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सूजी के गोलगप्पे बनाने के लिए 250 ग्राम मैंने सूजी लिया है यहाँ पे। तो 250 ग्राम सूजी के साथ मैं यहाँ पे 50 ग्राम के करीब रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ, जिसका मैं मोयन डालूँगी। आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल को मैंने हल्का गुनगुना कर लिया है, उसके बाद मैं इसको डाल रही हूँ। और अच्छे से हमें इसको सूजी को मिला देना है इस तरह से दोनों हाथों से, ताकि रिफाइंड ऑयल के साथ ये अच्छे से मिक्स हो जाए, या जो भी मोयन आप यूज़ कर रहे हैं उसके साथ मिक्स हो जाए। मोयन अच्छे से लग जाने के बाद अब हमें मारना है इसका आटा। तो आटा मारने के लिए मैंने गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। हाफ कप के करीब इसमें गर्म पानी लग गया है, क्योंकि मोटी वाली सूजी है हमारी और मोटी वाली ही इस्तेमाल करनी है सूजी। और अच्छे से हमें इसे मिला देना है। गर्म पानी इतना होना चाहिए कि ईज़िली आटा मर जाए, आपके हाथों में लगे ना वो। और गरम पानी से ही हमें इसे मारना है अच्छे से। इस तरह से मसल मसल के हमें आटे को मारना है, सूजी फूलेगी भी और सॉफ्ट सा डो बन जाएगा हमारा। जितने अच्छे से डो को हम मसलेंगे और पटक पटक के मारेंगे, उतने ही अच्छे हमारे सूजी के गोलगप्पे बन के तैयार हो जाएंगे और उतने ही अच्छे वो फूलेंगे। तो इस तरह से हमें मसल मसल के इसे मारना है। और जैसे ही एक बार को मर जाए, उसके बाद 15 से 17 बार आपको इस तरह से डो को पटकना है। जैसे ही आप इसको पटकेंगे 15 से 17 बार, वैसे ही ये बहुत सॉफ्ट सा अच्छा सा डो बनके तैयार हो जाएगा। तो ये डो बनके अच्छे से तैयार हो गया है, और ये देखिए मैंने पटक पटक के इसको मारा है और बहुत ही सॉफ्ट सा डो हमारा बन गया है। इसको बिल्कुल भी रखने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत ही इससे अब गोलगप्पे बन जाएंगे हमारे। तो ये मैंने इतनी बड़ी लोई ले ली है एक। अब इस एक लोई को मैं रोल करके छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लूँगी इससे मैं, ताकि मैं गोलगप्पे बना लूँ। आप चाहें तो इससे और बड़ी लोई तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इतनी बड़ी ही रख रही हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल साइज़ होता है सूजी के बताशों का या सूजी के गोलगप्पों का, वो इतने में आ जाता है ईज़िली। तो ये लोइयाँ मैंने तोड़ के रख ली हैं, इनको मैं अलग कर लेती हूँ। और अब मैं एक एक करके गोलगप्पे बेलूँगी। तो ये अभी मैंने एक लोई रखी है छोटी सी, जिसको मैं लंबी लंबी शेप दूंगी, जैसे हमारे सूजी के गोलगप्पे होते हैं नॉर्मली, उस तरह की शेप देने के लिए मैं इनको इस तरह से लंबी वाली शेप दे दूंगी, ताकि हमारे लंबे वाले गोलगप्पे बने। आप चाहें तो गोल भी रख सकते हैं। तो इस तरह से लंबे लंबे करके आपको पहले से रख लेना है इसको शेप देने के लिए, और इस तरह से बेल लेना है पतला। तो इस तरह से बेल के मैंने दो बार पलट पलट के बेला है इसको, और ऐसे लंबा लंबा शेप दे दिया है और इतना पतला रखा है मैंने इसको, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। तो अब हम इसे तलेंगे। तो एक एक करके बनाते भी जाएंगे और तलते भी जाएंगे, और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे सेकना है। अपने आप फूलते जाएंगे ये और ऊपर आते जाएंगे। एक एक बनाते जाइए और डालते जाइए कढ़ाई में जिसमें भी आप सेक रहे हैं, और धीरे धीरे कर करके लो फ्लेम पर ये एक साइड से सेकते भी रहेंगे और फूलते भी जाएंगे। 60-70 गोलगप्पे में, बहुत ही कम गोलगप्पे, मुश्किल से 5-10 गोलगप्पे ऐसे होंगे जो हो सकता है ना फूलें, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो हम पापड़ी बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे। पापड़ी बना के आप उसकी खा सकते हैं, और बाकी के गोलगप्पे आपके बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, बहुत ही अच्छे से फूलेंगे, जिस तरह से मेरे गोलगप्पे फूल रहे हैं। क्योंकि अगर आप उसी तरह से आटा मार रहे हैं सूजी का, जिस तरह से मैंने दिखाया है आपको, तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे आपके सूजी के गोलगप्पे। गोलगप्पे डालने के बाद एक तरफ से उनको सेकने देना है लो फ्लेम पे बिल्कुल, और जब तक वो ऊपर ना आ जाए फूल के, तब तक आपको उनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। एक तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो जाने देना है, उसके बाद ही पलटना है, जिस तरह से मैं पलट रही हूँ। तो ये गोलगप्पे मेरे फूल चुके हैं और अब मैं इनको पलट रही हूँ, एक साइड से ये क्रिस्पी हो चुके हैं। तो इस तरह से ये बन के हमारे तैयार हैं, अच्छे से फूल गए हैं। कुछ ऐसे हैं जो पतले रह जाते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो बहुत अच्छे से फूल गए हैं। तो इसी तरह से मैं और सेक लेती हूँ। तो ये एक मैंने गोल भी बनाया था इस तरह से, चाहे तो आप इस शेप का भी बना सकते हैं। गोल वाले भी इजीली बन जाते हैं और लंबे वाले भी इजीली बन जाते हैं,
बहुत ही आसान है बनाना। तो इस तरह से क्रिस्पी से ये सिक गए हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो ये मेरे बनके तैयार हैं सूजी के गोलगप्पे। बहुत ही परफेक्ट बने हैं, शेप भी अच्छी आई है और साइज़ भी मैंने इनको इतना ही दिया है जितना नॉर्मली होता है। अच्छे से क्रिस्पी भी हो चुके हैं, ये ईज़िली टूट रहे हैं, बिल्कुल खस्ता बने हैं, बिल्कुल जैसे हम लोग ठेले पे खाते हैं। यह आवाज़ सुन के ही आपको पता लग गया होगा कि कितने क्रिस्पी बने हैं मेरे गोलगप्पे, क्योंकि मैंने मोयन वगैरह बहुत ही अच्छे से डाला था और बहुत ही अच्छे से आटा माड़ा था। तो ये थी गोलगप्पे की रेसिपी, बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो अब मैं इससे बनाने जा रही हूँ ठेले वाले सौंठ के बताशे। तो देखिए कितनी अच्छी सी आवाज़ आ रही है इसमें, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये। तो यहाँ मैं ठेले वाले भैया की तरह ही एक ले रही हूँ दोना, और इसमें मैं लगाऊंगी 4 सूजी के बताशे जिस तरह से वो लगाते हैं। तो ये मैंने 4 सूजी के बताशे रख लिए हैं, और इसमें मैं रखूँगी थोड़ा थोड़ा बॉइल्ड आलू मैंने लिए हैं वो रख ले रही हूँ। चने भी आप रख सकते हैं अगर हैं। और ये डाल दिया है ऊपर से दही, साथ में मैं डालूंगी ये सौंठ, जो कि है मेन इंग्रेडिएंट इसका, सौंठ वाले बताशे का जो हम ठेले पे मोस्टली खाते हैं। अब मैं डालूंगी कुछ मसाले, जिसमें ये मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, भुना जीरा डाला है क्रश किया हुआ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका, और सिंपल सा काला नमक डाल दिया है ऊपर से टेस्ट के लिए, और ये थोड़ा सा और दही डाल दिया है मैंने, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और डाल दी है। तो ये बन के तैयार हो गए हैं हमारे सौंठ के बताशे, जो हम ठेले पे खाना बहुत पसंद करते हैं। अगर आपको सूजी के बताशे की या गोलगप्पे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।